नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में आपको 10th क्लास के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है। पहला पार्ट मैंने बेसिक के बारे में बता दिया गया, आगे यदि आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट को देख सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है, और आगे देखेंगे कि कैसे क्या क्या इसमें तत्व रहते हैं जो बैलेंस करने में इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। चलिए पहले शुरू करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन स्पष्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, पहले जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में पहले फ़र्क समझ लीजिए। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ आएगा कि एक या एक से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसमें आपको कुछ भी बताया नहीं जाएगा कि ये लिक्विड है, गैस है या क्या है और क्या बन रहा है, ये सब नहीं बताया जाएगा। लेकिन केमिकल इक्वेशन में देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों, बनने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाएगा रासायनिक सूत्र में, इसमें सब बकायदा मेंशन किया जाएगा कि लिक्विड है, गैस है, कि क्या बन रहा है, ये सब दिखाया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ कोई कुछ भी बताया नहीं जाएगा, सिर्फ केमिकल रिएक्शन सिर्फ करवा दी जाएगी बस, और इसमें उसका सूत्र संकेतों द्वारा लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे उदाहरण के लिए C+O2, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बना दे रहे हैं, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि कहेगा कि केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कोई कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा कि ये लिक्विड है या गैस बनी या क्या बना, कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन उदाहरण इसमें देखिए, इसमें मैग्नीशियम जो है सॉलिड है, हाइड्रोक्लोराइड जो है लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बना वो भी सॉलिड फॉर्म में है, और जो हाइड्रोजन गैस निकली ये गैस फॉर्म में है। ये बकायदा मेंशन किया गया है कि ये क्या है, लिक्विड है, गैस है। और भी इसमें चीज़ें रहती हैं केमिकल इक्वेशन में, कि जैसे परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी, अणु की संख्या बराबर रहेगी, इस पे कितना तापमान पे गर्म किया जाता है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। चलिए उसको बाद में पढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या फ़र्क है। इसमें संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसमें कुछ भी संकेत नहीं रहता, सिर्फ ऐसे ही एक दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन बारे में बताता हूँ। अब देखिए केमिकल इक्वेशन पहले देख लीजिए। केमिकल इक्वेशन ये मिटा रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते थे, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बराबर, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर रहती है, उसी को हम लोग इक्वेशन कहते थे मैथ में। जैसे उदाहरण से भी बताता हूँ, जैसे मैथ में क्या पढ़ते थे कि 6 जो है इक्वल टू का सिंबल रहता था, यहाँ पे 3 है तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा करा देते थे, इसी को क्या कहते हैं। जैसे 6 इक्वल टू 3 लिखा है, 6 इक्वल टू 3, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, 3 से गुणा करा देते थे, इसको क्या कहते थे, ये बैलेंस हो गई है। इसी तरह इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, हम एरो से डिनोट करेंगे, जो अणु की संख्या देखेंगे, अणु की संख्या, इसमें उसमें हम लोग गिनती देखते थे, इसमें हम लोग अणु की संख्या देखेंगे कि जैसे 4 अणु इधर हैं तो एरो के इस तरफ भी 4 अणु होने चाहिए। ये केमिकल इक्वेशन का, आपको इक्वेशन का मतलब पता लग गया होगा, समीकरण, यानी कि बराबर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, इसमें हम पढ़ेंगे। उसमें मैथ में इक्वल टू से दर्शाया जाता था, इसमें एरो से दिखाया जाता था, और इसमें देखा जाएगा कि अनुसंख्या बराबर है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब चलिए एक बार पहले पढ़ते हैं कि कैसे इसको दर्शाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेशन आपको समझ में आ गई हो आशा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शब्दों द्वारा एक, इसको हिंदी में देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। तो इसको जैसे पहला है, इसमें बताया गया है कि पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, शब्दों द्वारा समीकरण, शब्द समीकरण या शब्दों द्वारा द्वारा समीकरण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे दर्शाया जाता, जैसे इसमें दिखा दिया जाएगा जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हिंदी में लिखा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए ही देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोजन, ये सब हमारा क्या है, शब्द समीकरण है, ये शब्दों में लिखा गया है, शब्द जानते हो सभी लोग, शब्दों में लिखने को क्या कहते हैं, शब्दों द्वारा रिप्रेजेंटेशन, समीकरण नहीं आएगा, शब्दों द्वारा दर्शाना या दिखाना, जो भी लिखना हो। उसके बाद आएगा दूसरा हमारा, आएगा प्रतीकों। पहला ये हो गया शब्दों द्वारा, इसमें इंग्लिश में आएगा रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स। दूसरा आएगा रिप्रेजेंटेशन बाय, इसमें आएगा रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स, इसमें आएगा रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल, सिंबल एंड फार्मूला, यानी कि सिंबल और फार्मूला से जो दिखाया जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए इसको देख लीजिए, Zn प्लस H2SO4 लिक्विड क्या बन जाएगा, Zn SO4 प्लस H2O गैस बन जाएगी, H2O गैस बन जाएगी। ये शब्द समीकरण है, इसमें ये लिखा जाएगा और सिंबल और फॉर्म में दर्शाने को, ये हमारा सिंबल जो है केमिस्ट्री के, इनसे दर्शाया जाएगा। आशा करता हूँ ये इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, एक अपवाद है, पेपर में पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाएगा कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसको कहते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, स्केल्टन इक्वेशन, कंकाल मतलब स्केल्टन ही होता है, स्केल्टन इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है ये देख लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए H2, एग्जाम्पल H2+O2 H2O बन गया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो, ऑक्सीजन के दो, लेकिन इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखे हैं हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन के एक परमाणु है। ये यहाँ इस, अभी मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड, लेकिन इसमें इक्वेशन नहीं बन रही है, इसमें दो हैं इसमें एक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो अनबैलेंस रहेगी इसको हम अनबैलेंस कहेंगे।
अनबैलेंस्ड, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण, हिंदी में असंतुलित समीकरण। इसमें देखिए बैलेंस नहीं है ना, हाइड्रोजन के दो हैं इसमें ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के इसमें दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, ये इक्वेशन बैलेंस हमारी नहीं है। तो इसको बैलेंस जो होगी उसको क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग दो जोड़ दें तो टू एच टू ओ प्लस ओ टू, तो इसमें क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के चार हैं, इधर क्या बन जाएगा हमारा टू एच टू ओ, ये हमारा जो कि पानी बन गया। अब इसमें देखिए बैलेंस हो गई है इक्वेशन, हाइड्रोजन के चार हैं इसमें अणु, ऑक्सीजन के दो, देखिए हाइड्रोजन के चार हैं ऑक्सीजन के दो, और इस तरफ देखिए हाइड्रोजन के भी चार हैं ऑक्सीजन के भी ये दो हैं, दो ओ से यहाँ पर दो से गुणा होगी दो हो गए हैं, ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड। इसको अभी हम अच्छे से देखेंगे बैलेंस कैसे होती है, क्या 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 इसमें कैसे बैलेंस करना रहता है, इसको देखेंगे। फिलहाल समझिए कंकाली समीकरण में क्या होता है, जो इक्वेशन अनबैलेंस रहती है, असंतुलित रहती है, उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। दो नंबर में या एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको यही इक्वेशन दिखा के डेफिनेशन लिख के कि जो अनबैलेंस रहती है असंतुलित को रिएक्शन को असंतुलित समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण, स्केल्टन इक्वेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करने की विधि देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाएगा इसको। ये इक्वेशन जैसे अभी बैलेंस हुई है, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसके पहले ही टेन ट्रायल मेथड है, उसमें हम डायरेक्ट मेथड दिखाएंगे, डायरेक्ट अपनी मर्जी से हम लोग, जैसे उदाहरण के लिए देखिए अभी हेडिंग डालिए मेथड ऑफ बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियां, ठीक है। देखो पहले तो एक इसको नोट कर लीजिए कि ये बैलेंस कैसे, चलिए पहले एक इक्वेशन लिखता हूँ तो समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे CO प्लस H2SO4 प्लस H2O, अब इसमें देखिए अणु कितने कैसे बने हैं, इसमें देखिए अणु लिखिए पहले, इसको वैसे बैलेंस करने का तरीका है, मेटल रहेगा, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये क्रम रहता है, पहले मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह किया जाता है। इसमें हम परमाणु देखेंगे कि अणु किसके कितने हैं, कॉपर का जैसे देखिए पहले कितने हैं, कॉपर का एक है, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के चार, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ कॉपर के हैं एक, सल्फर के, इक्वेशन थोड़ी गलत हो गई है, इसमें H2SO4 भी रहेगा, H2O प्लस H2O, इसमें अब देखिए कॉपर के एक, सल्फर का
एक ये दो हो गए, लेकिन इसमें एक है। उसके बाद हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन के इसमें दो हैं, एक, यही दो जो हैं हाइड्रोजन के हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं इसमें, सात हैं, चार, चार दो छः, एक सात। अब देखिए ये हमारी अभी कंकाली समीकरण बन रही है कि अनबैलेंस है। कॉपर तो इसमें मेटल तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन के इसमें दो हैं, ये भी सही है, लेकिन सल्फर के हैं जो हैं एक है, इसमें दो है, ऑक्सीजन का चार है, इसमें सात हैं। अब इसको हम बैलेंस करना देखेंगे। जो हम पहला अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, उसमें सीधा हम जोड़ के देखेंगे कि जैसे इसको यहाँ पे दो ऐड किया जाए तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग दो ऐड कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन के चार हो गए, सल्फर के दो, ऑक्सीजन के आठ हो गए। देखिए एक बार फिर से, जैसे हाइड्रोजन के चार हो गए, सल्फर के, कॉपर का तो बैलेंस है, इसके कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ये बैलेंस है हमारा, एक इधर भी है एक इधर भी है, इसलिए इसको हम फिलहाल काट देते हैं, ये हमारा बैलेंस है। अब इसमें हाइड्रोजन देखिए चार हो गया है, सल्फर दो एकम दो दो है, और ऑक्सीजन जो है चार दुनी आठ हो गया है, ऑक्सीजन आठ है। अभी इधर भी यही करना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग दो और जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार, ये हमारा बैलेंस हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, चार, चार दो छः और दो एकम दो आठ हो गया, ऑक्सीजन आठ हो गया, ये भी हमारा बैलेंस है। सल्फर कितना था इधर, यहाँ पे दो हो गया था, और यहाँ पे भी कितना हो गया है, एक दो, ये भी दो है, यानी कि ये हमारी इक्वेशन जो है अब बैलेंस पूरी तरह से हो गई है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया हो कि कैसे बैलेंस किया जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ इसके अणु गिनकर यहाँ पे इसकी संख्या हिट एंड ट्रायल के मेथड के द्वारा डालनी है। जैसे यहाँ पे टू मैंने लगा दिया तो इसको सही हो गया है, अब ये बैलेंस हो गई है, ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और देखिए दो तीन उदाहरण, ये नोट कर लेना, मेटल नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसी मेथड से रहता है। लेकिन जैसे मैंने किया है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस में लेके, जैसे दूसरा देखिए H2O प्लस O2, जैसे उदाहरण पहले दिया था। अब यहाँ ये तो इजी है, प्रोडक्ट को हमको चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि जैसे H2 लिख दिया O2, ये कोई भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये कभी नहीं बनेगा इस तरह कि H2 इधर का ले लिया, टू इधर भी ले लिया, सोचोगे बनेगा तो है ही कुछ, लेकिन ये एग्जिस्ट कुछ भी करता नहीं है, तो इसलिए जो पानी है वो पानी ही रहेगा। अब इसको बैलेंस किया जाता है, जैसे देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम दो लगा दें तो ये तो चार अणु इसके हो गए हैं, ऑक्सीजन के दो हो गए हैं तो बराबर आ रहा है, लेकिन अगर अब यहाँ पे चार अणु हो गए हैं इसके, हाइड्रोजन के चार हो गए हैं, ऑक्सीजन के दो एकम दो, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन वाला ये बैलेंस हो गया है, लेकिन ये अभी दिक्कत है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस साइड का भी, इसमें चार यहाँ पे दो कर दें तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के चार, ऑक्सीजन के दो हो गए हैं, और इस साइड भी हाइड्रोजन के चार, ऑक्सीजन के दो, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है कि हम इसमें डायरेक्टली जो है परमाणु की संख्या, अणु की संख्या, परमाणु या अणु की संख्या बढ़ाकर देखते हैं कि ट्रायल करते हैं कि सही हमारा इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। और उदाहरण देखिए कि और कैसे होगा, बहुत से उदाहरण हैं, जैसे Mg
प्लस ओ टू एम जी ओ। अब ये भी बैलेंस नहीं है, देखिए एम जी एक है, ऑक्सीजन दो है, इधर कितना है एम जी एक, ऑक्सीजन भी एक। यहाँ पे हम फिर टू लगा देंगे तो इजी है, टू लगा दिए तो टू एम जी हो गया, ऑक्सीजन दो हो गई है, दो एम जी दो ऑक्सीजन, इधर लेकिन एक एम जी है, तो यहाँ पे हम अगर टू लगा दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब टू एम जी इधर हो गई, टू इधर, ऑक्सीजन भी दो, इधर दो, इधर भी दो, यानी इक्वेशन हमारी बैलेंस है। और उदाहरण देखिए कि घर पे एक दो बार आप लोग करिएगा तो आ जाएगा आसानी से, इतना टफ नहीं है ये, सिर्फ आपको संख्या ही तो बढ़ानी है, ये तो आ ही जाएगा आसानी से। और उदाहरण देख लीजिए, हमको जैसे इस तरह नहीं करना है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एम जी ओ टू है तो इसको एम जी ओ टू लिख दिया इस तरह, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता ब्रह्मांड में, इस तरह नहीं लिख सकते कभी भी, ये हमको नहीं करना है कि जो लिखा है वैसे उतार दिया, जो हमारा मॉलिक्यूल एम जी ओ प्रॉपर बन रहा है, ये एग्जिस्ट करता है, इसी को बनाना है। इसको याद कर लीजिएगा किससे रिएक्शन करने पर कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ना कि इस तरह की जो आया जितने हैं उधर वैसे बैलेंस कर दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, जैसे एक बना है तो ये कुछ भी नहीं बना, ये लेकिन मॉलिक्यूल बन रहा है ठीक से, एम जी ओ जो मॉलिक्यूल बन रहा है एग्जिस्ट करता है, ये एम जी ओ टू कुछ भी नहीं है ठीक है। और देखिए एक और देख लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि किसमें क्या रहता है। अब देखिए ये भी सोडियम एन एक है लेकिन बी आर दो है, इधर एक एक है दोनों, इसको भी बैलेंस करेंगे, ये भी इजी है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, टू एन ए और इधर से टू एन ए बी आर, अब दो ये हो गए, दो ये हो गए, बराबर हो गई इक्वेशन। और देख लीजिए एक FeCl टू प्लस H2O। अब यहाँ पे करके देखिए, आप लोग भी करिए, टू एच सी एल हम लोग कर दें तो बन जाएगी इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एफ ई एक है, एक है, इस तरह बैलेंस किया जाता है, जैसे एफ ई एक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ये भी बैलेंस है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन जबकि इसमें नहीं थी, एफ ई तो बैलेंस था लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो थे, क्लोरीन के यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक, इसलिए हमने यहाँ पे टू लगा दिया। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जैसे एक उदाहरण और लिख लीजिए, एम जी घर पे ये करिएगा दो तीन बार आ जाएगा आसानी से, एम जी एच सी एल, एम जी सी एल टू प्लस H2O। अब इसमें देखिए कितना करना है हमको, एम जी कितना है एक, एम जी एक, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, यानी कि एच सी एल, एच कितना है यहाँ पे दो लगा दें, दो एच हो जाएगा, क्लोरीन दो हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमको देखना रहता है और क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं, कि जैसे क्या क्या इसमें और चीज़ें रहती हैं, कि जैसे कोई इक्वेशन रहती है कि उसको गर्म करने पर क्या हो रहा है, इस सब के बारे में देखेंगे। जैसे पहला देखिए, पहला पॉइंट रहेगा कि इसको हमको लिक्विड, जो लिक्विड रहेगा लिक्विड से दिखाना है, सॉलिड को सॉलिड से, सॉलिड लिक्विड, जो गैस रहती है गैस भी दर्शाना रहता है इसमें सब में इक्वेशन में, और जो विलयन रहेगा सोल्यूशन रहेगा उसको एक यू से दर्शाना है, पहला काम ये करना है हमको ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमको दिखाना रहता है जैसे टू के सी एल ओ थ्री
सॉलिड ये दिखा रहे हैं। उसके बाद ये गर्म करने का चिन्ह है कि इस पे गर्म किया गया है। MnO2 को रिएक्शन करवाने के लिए इससे गर्म किया गया, जो हमारा क्या बना, 2KHCl सॉलिड जो बना और 3O2 गैस बनी। जैसे ये गर्म करने का चिन्ह है और इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया गया, तो ये रिएक्शन करवाने पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये उत्पाद बना है। उसके बाद और भी रहता है, जैसे और देखिए तीसरा, देखिए और क्या रहता है, CO मोनोऑक्साइड गैस है, 2H2O गैस है ये भी। इसको हम कैसे दिखाएंगे कि 300 डिग्री सेल्सियस पे हुई है ये रिएक्शन और 340 एटमोसफेयर का प्रेशर था, और किसकी उपस्थिति में हुई रिएक्शन, ZnO+CrO3। इसकी उपस्थिति में हमारा क्या बना, CH3OH बना, मेथनॉल बन गया। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। इसको देखिए कैसे होती है ये, जैसे 6CO2 गैस है ये, इसको मैंने दिखाया नहीं है लेकिन आप लोग दिखाइएगा रिएक्शन में। ये लिक्विड है पानी, तो इसमें क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ 9th में था पर्णहरिम। ये यानी कि किसकी रिएक्शन है, पौधों की है ये, जिससे अपना पौधे खाना बनाते हैं। इसी तरह हमारी भी होती है, उसको देख के कमेंट में मेरे को बताइएगा, जिसको जिसको आती होगी वो रिएक्शन, जो हम लोगों का खाना पचता है वो कैसे पचता है। अब जैसे ये भी इसमें फैक्टर रहता है कि सूर्य का प्रकाश है और ये रिएक्शन हो रही है और हमारा ग्लूकोज ये बन रहा है पौधों के लिए, और भी इसमें बहुत चीज़ें रहती हैं। आशा करता हूँ ये समय में आ गया होगा। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका फायदा क्या है, जो हमें इतना सारा ज्ञान लिए हैं, इसका फायदा क्या है। देखिए एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या फायदा है केमिकल इक्वेशन का। पहला सबसे बड़ा जो है फायदा, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है इसमें, संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उसमें उसमें क्या बताया गया है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ बदली जा सकती है। ये बहुत ही बेसिक लॉ है। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है हमारा, जैसे मैंने क्या बताया था कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके दो अणु इसके थे, तो ही इसके ही रहेंगे, दो ही इसके बनने चाहिए। यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हमारा जो अणु है वो चेंज नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए और देखिए, जैसे हमने रिएक्शन करवाई, हमारा लिक्विड मिला लीटर में, जैसे 22.4 लीटर मिला, और जो ये लिक्विड मिला है हमको, इधर भी जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। यही हमारा फायदा है। और सूत्र जो हैं, मोल की संख्या, वो भी समान रहती है। यही सब फायदा है। आशा करता हूँ इतना समय में आया होगा आपको। अगले लेक्चर में हम लोग
पढ़ेंगे कि योगात्मक रिएक्शन क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।